नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम अभी हैं जमुई में। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस होटल है, ये राजा बाबू होटल के नाम से। यहाँ पे लोग बहुत ही चाव से मटन, चिकन, अंडा, खरी मछली ये सभी खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ का खाना अभी टेस्ट करेंगे, यहाँ का खाना को एक्सप्लोर करेंगे। अभी क्या खाए आप? मुर्गा चावल। मुर्गा चावल टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ? ठीक है जी, बढ़िया है। बढ़िया है। आप पहले कभी खाए हैं? पहले भी खाया, ठीक लगा। कितना दिन से यहाँ पे खा रहे हैं? हम दो दिन हो गए। दो दिन से खा रहे हैं, टेस्ट अच्छा होता है। वैसे है कहाँ से आप? यूपी के। यूपी से। क्या खाए आप? अंडा चावल। अंडा चावल टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। कितने दिन से खाते हैं यहाँ? एक महीना से खा रहे हैं। एक महीना से यहाँ पे खा रहे हैं। रेट ठीक है? हाँ अच्छा है। रेट भी ठीक है। यहाँ पे क्या क्या खिलाते हैं? मटन है, चिकन है, अंडा है, मछली है। सादा मटन, चिकन, अंडा, मछली, सादा भोजन, सादा भोजन, रोटी चावल सब है, सब। ये मटन का रेट क्या होता है? मटन एक 40 प्लेट है, 140 रुपया में प्लेट। क्या पीस मटन होता है? दो पीस मटन। दो पीस मटन। चावल भर पेट खा सकते हैं जितना मन उतना। 90 तलक। ये चिकन? चिकन भी 70 में भर पेट। 90 तलक। 70 में भर पेट। हाँ भर पेट। दो पीस ये चिकन। हाँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आइटम खिलाया जाता है। इतने जो सादा आइटम भी खिलाया जाता है। तो ये सादा के लिए आ गया भुंजिया, सब्जी, मिर्च, उसके बाद ये चोखा, और उसके बाद ये सलाद आ गया है, और मछली भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आ गया मछली, मछली फ्राई करके रखा हुआ है, और वैसे ये देखने में काफ़ी अच्छा मछली लग रहा है। ये कौन सा मछली है? रेहू। रेहू, वैसे ये रेहू मछली है, बहुत ही अच्छा मछली होता है। देखिए यहाँ का ये चिकन बन के रेडी है, और चिकन का देखिए ये ग्रेवी कितना गाढ़ा है, देखने में काफ़ी जायकेदार मसालेदार लग रहा है, और ये पीस भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो है सिर्फ 50 रुपया में भर पेट ये चिकन और चावल खा सकते हैं। यानी कि 50 रुपया में आपको ये चिकन दो पीस मिलेगा, चावल उसके साथ जितना मन उतना खा सकते हैं। तो ऐसे एक दो प्लेट बहुत लोग खा लेते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं खाते हैं। 100 रुपया में आपको ये चार पीस चिकन, इतना बड़ा बड़ा पीस मिल जाएगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा है, चार पीस चिकन मिलेगा, और चावल जितना मन उतना खा सकते हैं, ग्रेवी भी जितना मन उतना खा सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन भी है, देखिए छोटा बच्चा अगर खाने के लिए आता है तो वो 30 रुपया में खा सकता है, उसको एक पीस ये चिकन दिया जाएगा, और हाफ प्लेट चावल, चावल जितना मन उतना खा सकता है, लेकिन हाफ प्लेट दिया जाता है कि उतना में लगभग बच्चा का जो है पेट भर जाता है। तो टेस्ट कैसा लग रहा है बाबू? कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा। यहाँ पे देखिए अंडा, करी और चिकन, सारा चीज़ लोग बहुत ही चाव से खाने के लिए आते हैं। आप यहाँ पे क्या क्या खाते हैं? यहाँ अंडा, करी अभी हम तो फिलहाल खा रहे हैं, तो अक्सर पैसा रहने के कारण मटन खाते थे। मटन खाते हैं? हाँ जी, मटन भी बनता है इनके यहाँ। वैसे तो आज मटन नहीं बनाए, बोले कि आज कोई पर्व, आज पूर्णिमा है, उसके कारण तो बहुत लोग नहीं खाता है, तो मटन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए आज नहीं बनाए। लेकिन यहाँ आइए, मटन का एकदम शुद्ध मटन मिलता है, ऐसा है, एकदम शुद्ध लगेगा, देसी घर का खाना है। हाँ। आप जब खाइएगा तो खुद महसूस कीजिएगा कि लग रहा है जैसे कि हम होटल में नहीं, घर में खाना खा रहे हैं। घर में खा रहे हैं, और सभी देसी तरह से बनाया हुआ खाना है, जो हम लोग घर में बनाते हैं उसी तरह से बनाया हुआ है, एकदम लाजवाब। अच्छा, ये अभी जो ये अंडा करी खा रहे हैं, इसका टेस्ट आज अच्छा है? बहुत लाजवाब सर। साथ में देखिए अंडा करी है, ये बैंगन का भरता है, ये आलू का भुजिया है, सलाद है, और राइस है, और अंडा करी है। राइस और ग्रेवी जितना मन उतना लेके खा सकते हैं। जी जी सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर खाने का कोई, आप आइए पेट भर खाइए और मस्त होके जाइए। हाँ। तो 1 बजे से खाने का टाइम होता है, यहाँ पे लोग 1 बजे से खाने के लिए आते हैं। अभी दिन का 2 बज रहा है और सारा के सारा चावल ख़त्म हो गया, पूरा के ये टोकना जो है इसमें पूरा चावल था, सारा ख़त्म हो गया है। और मटन अभी तक बना नहीं है, बोल रहे हैं कि आज पूर्णिमा है इसलिए आज नहीं बनता है, नहीं तो अभी और हमको चावल बनाना पड़ जाता है। ये जो टोकना है, हम दो टोकना बना के रखते हैं, वैसे आज एक टोकना बना के रखे हैं। मटन रहता है तो दोनों का दोनों ख़त्म हो जाता है, यही ना, ख़त्म हो जाता है। और यहाँ जो है चिकन भी लगभग ख़त्म हो गया है, अंडा भी लगभग ख़त्म होने वाला है, और मछली भी लगभग ख़त्म होने वाला है, और फिर से बनाने का तैयारी हो रहा है। 30 किलो रोज चावल 30 केजी चावल डेली ख़त्म हो जाता है। ये अंडा करी, मटन, चिकन अभी फिर से बनाइएगा? हाँ फिर से बनाइएगा। एक बार बना के नहीं रखते हैं, कम बनाते हैं, वो ख़त्म होता है तो फिर बनाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए मेरे लिए यहाँ पे प्लेट लग गया है, देखिए एक प्लेट में क्या क्या मिला है। ये आ गया चिकन, दो पीस चिकन मिला है, मनपसंद पीस मिला है, इसे लेग पीस ख़त्म हो गया था तो ये हम हड्डी वाला पीस लेते हैं, तो ये पीस मिला है, और उसके बाद एक प्लेट चावल, और उसके बाद कई तरह के सब्जी। सब्जी में क्या क्या है ये देखिए, भुंजिया आ गया, उसके बाद आलू का ये चोखा है, चोखा भुंजा हुआ है, उसके बाद मिर्च, और ये चटनी भी मिला है, ये चटनी है टमाटर और
ये बैंगन का, उसके बाद ये चटनी, एक चटनी ये आ गया, ये है धनिया पत्ता और बादाम का चटनी, मूली और गाजर सलाद में ये दोनों मिल गया है, तो बहुत ही अच्छा है। ये सिर्फ 50 रुपया का सारा खाना है। 50 रुपया हम इतना खा लेते हैं तो 50 रुपया लिया जाएगा, और इससे ज़्यादा खाते हैं थोड़ा बहुत लेंगे तो रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर हम भर पेट 2-3 प्लेट चावल लेके खाएंगे तो 70 रुपया लिया जाएगा, यानी कि 70 रुपया में आप यहाँ पे भर पेट खा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पापड़ भी मिला है, तो एक इतना सारा पापड़ भी मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा खाना आपको इतना कम प्राइस में शायद कहीं खाने को नहीं मिलेगा। तो इसे चलिए यहाँ का टेस्ट करते हैं, ये चिकन का टेस्ट कैसा है। देखने में तो काफ़ी जायकेदार लग रहा है, और इसमें से जो गमक आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो चलिए ऐसे रुका नहीं जा रहा है, प्लेट में लेते हैं सारा चीज़ और खाते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं। तो इस प्लेट में जो भी है सारा के सारा हम इसमें डाल देंगे। ये आ गया ग्रेवी और चिकन, क्योंकि ऐसे सारा का सारा खाना ही है तो इसमें क्यों रहेगा। देखिए देखने में कितना जायकेदार लग रहा है। अब तो सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा ग्रेवी, उसके बाद ये चावल। ऐसे तो हर जगह हम ये ग्रेवी ही टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं ग्रेवी में कैसा टेस्ट है। तो ये आ गया ग्रेवी और चावल, देखते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो लगता है ये प्याज मसाला जो है बहुत ही अच्छा से भुंजा गया है, ऐसा टेस्ट इसमें है भुंज के। और इसमें कुछ खड़ा मसाला भी डालते हैं, खड़ा मसाला का स्वाद आ रहा है, और लहसुन भी शायद डालते हैं, खड़ा डालते हैं है डाली, एक छोड़ दीजिएगा। तो जैसा टेस्ट होना चाहिए बहुत ही अच्छा वैसा टेस्ट इसमें है। तो अब थोड़ा सा चिकन भी टेस्ट करते हैं। ये आ गया चिकन, चिकन का थोड़ा सा ज़्यादा पीस लेंगे, ये खड़ा लहसुन हाँ डाल दीजिए, बस एक खड़ा लहसुन भी देखिए मिल गया हमको यहाँ पे। तो देखिए कितना अच्छा से सीझा हुआ है, एकदम छोटे के साथ ये गल जा रहा है खाने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो जो चिमचिमापन होता है वो सारा के सारा ख़त्म हो गया है, खाने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ कस्टमर का रिव्यू भी लिए तो वो भी बहुत ही अच्छा बताए, और यहाँ का टेस्ट सच में अच्छा है। तो चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, और इसमें साथ में जो पापड़ दे दिया है बहुत ही बढ़िया, आपको हर जगह ये पापड़ नहीं मिलता है, थोड़ा सा चटपटा आप हो जाइएगा ये चिकन के साथ में पापड़ खाइएगा। तो वैसे तो मेरा फेवरेट है ही चिकन मटन में दिया हुआ लहसुन, और यहाँ भी ये हमको मिल गया है, देखते हैं इसमें कैसा टेस्ट है। सीझा हुआ है अच्छा से, कभी कभी क्या होता है कहीं पे आपको अच्छा से सीझा हुआ नहीं मिलता है तो ये निकलता नहीं है अच्छा से। अब जैसे इसको घिसते हैं आराम से सभी निकल जा रहा है, देखिए देखिए सारा का सारा निकल के अंदर चला गया। तो चलिए अब आपको यहाँ का एड्रेस बता देते हैं, यहाँ आने के लिए आपको जमुई आना पड़ेगा, जमुई में महेश्वरी चौक है, यहाँ पे आपको राजा बाबू ढाबा मिल जाएगा, राजा बाबू होटल। तो यहाँ आप आके खा सकते हैं चिकन मटन अंडा करी मछली जो भी खाना चाहते हैं, बहुत ही टेस्टी मिलेगा खाना, तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।